भाजपा के गोहाना मंडल में महिला मोर्चा का किया गया गठन। रीना शर्मा को बनाया अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के पार्क रोड स्थित गोहाना कार्यालय में आज गोहाना मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुमित कक्कड़ द्वारा की गई। बैठक का संयोजन मंडल महामंत्री जयदेव देसवाल व स्वच्छता अभियान के जिला सह संयोजक केसी शर्मा ने किया। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, जिला उपाध्यक्ष अरुण बड़ोक, मंडल प्रभारी वीरेंद्र भनवाला, सीएम विंडो की एमिनेट पर्सन अंजू कालड़ा व भाजपा वरिष्ठ नेता महावीर गुप्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर गोहाना मंडल अध्यक्ष सुमित कक्कड़ ने बैठक में उपस्थित भाजपा शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श कर गोहाना मंडल में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा की व मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान रीना रानी को भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष, सुमन देवी, पिंकी देवी, नरेश देवी, मुस्कान को उपाध्यक्ष, बबीता गोयल, स्नेहलता को महामंत्री, पूजा, अनीता कुमारी, रेखा कश्यप, सुनीता रानी को सचिव, रजनी रानी को कोषाध्यक्ष, उर्वशी तनेजा को आईटी प्रमुख व सीमा जांगड़ा को प्रेस प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया। इस अवसर पर गोहाना विधानसभा विस्तारक सुरेश जागलान, रमेश कश्यप, सूरजमल शर्मा, महावीर गुप्ता, सत्यनारायण शर्मा, श्याम मेहता, शेर सिंह बेडवाल, सुनील खान, गुलशन गिरधर, बलदेव राज गर्ग, सुरेंद्र कालड़ा, अनिल डूडी, रविंदर राही व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।